बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आ रही है, जहाँ पर आभूषण व्यापारी से लाखों रुपए की जेवरात की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े लूट की वारदात जौनपुर जिले के नेवरिया थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पूरा मामला नेवरिया थाना क्षेत्र के भवानीगंज की बताई जा रही है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां पर जौनपुर जिले के नेवरिया में एक आभूषण व्यवसायी से लाखों रुपए के जेवरात की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। भवानीगंज निवासी किशन के मुताबिक जब वह रोज की भांति अपने घर भवानीगंज से दुकान बासुपुर की ओर जा रहा था, तो सुबह करीब 9 बजे जोगीवीर ब्रह्म बाबा स्थान से क्रॉस करते ही बाइक सवार बदमाशों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने पहले बाइक को ओवरटेक किया, फिर पीछे से उसके सर में बंदूक द्वारा वार किया गया। बदमाशों के वार करने के बाद किशन लड़खड़ाते हुए बाइक से गिर पड़ा, तो बदमाशों ने उसे मारते पीटते हुए उसकी डिग्गी में रखे चांदी और सोने के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। जिसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख बताई जा रही है। मामले की जानकारी होते ही नेवरिया थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पांडे घटना स्थल पर पहुंचे। इस पूरे मामले में जब जौनपुर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण त्रिभुवन सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कहा मामले की जांच की जा रही है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आ रही, जहां पर बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या मामला था? मामला यह था कि हम रोज की तरह दुकान के लिए निकले थे, 9 बजे की बात है, 9 बजे हम घर से निकले और 9:10 पे दो लोगों ने हमको ओवरटेक किया। कहाँ जा रहे थे? दुकान के लिए जा रहे थे, दुकान हमारा बासुपुर में है। अच्छा, दुकान के लिए जा रहे थे, जैसे हम मतलब जोगीवीर ब्रह्म बाबा जैसे हम क्रॉस किए हैं, तो हम पीछे देखे अपने शीशे में तो एक साइन वाला था और हमको मतलब बड़ी तेजी से हमारा पीछा कर रहा था। अच्छा। तो हमको लगा कि ये हमारे पीछे लगा है, जिस हिसाब से हमने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, फिर पीछे शीशा में देखे तो एक पल्सर आया जिसमें उस पर एक आदमी बैठा था, और जैसे ही वो हमारे करीब आके हमारे पीछे मतलब बंदूक लगा दिया, कट्टा लगा दिया। अच्छा। और हम उस कट्टे को छीनने के लिए अपनी एक हाथ छोड़े बाइक से, तो कट्टा तुम छीन लिए, जैसे कट्टा छीनो उसमें मुझे तुरंत पैर से मतलब मेरी बाइक पे लात मारा और मैं गिर गया। उसके बाद उतरते के साथ उसने मेरे सर पे वार किया और डिग्गी खोल के हमारा सारा सामान निकाल ले गया और पूरी तरीके से हमारा तलाशी लिया, और उसके बाद हमारा फोन हमारे जेब। सामान कितने का होगा? लगभग उसमें 3.5 से 4 किलो के बीच में चांदी था और 100 और 75 ग्राम के बीच में सोना था। तो कितने का होगा लगभग? अभी तो भैया इतना बताना कंफर्म नहीं है, हम क्या बताएं आपको। अनुमानित लागत कितना होगा? लगभग 3-2.5 लाख रुपए के आसपास में है। 2.5 लाख। हाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम? किसान है। आपका घर कहाँ पड़ेगा? भवानीगंज थाना नौनिया।